अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विलम्ब हो रहा है, मुहूर्त बीता जा रहा है, कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता आए। भाई साहब, फेरों का मुहूर्त हो गया है, अगर लेट करेंगे तो सही नहीं ना होगा। हाँ बाबू साहब, शादी ब्याह में मुहूर्त का अपना महत्व होता है, हैं? रस्मों को मुहूर्त के हिसाब से करें तो अच्छा रहता है। अब कुमुद जी को थोड़ी देर हो रही है तो कौन बात ना ही है, हम रस्में शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है पंडित जी, कौन बात नहीं है, आप शुरू कीजिए। प्रवेश आइए। भाई साहब चलिए ना, प्रवेश जी जल्दी आइए, हम यहाँ आई हैं, आइए ना जी। पंडित जी आप शुरू कीजिए। पहले कन्या के पिताजी का हाथ, फिर माँ का, उसके ऊपर कन्या का हाथ रखिए। हाँ रखिए। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने प्रोतमानस्य कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे। माँ, 21 साल बाद हमें हमारा परिवार मिला है, खुशियां मिली, यही सब कुछ छोड़कर जाना जरूरी है, कोई और रास्ता नहीं है। का फायदा इसे परिवार के बीच रहेगी, जहाँ तेरी जानी सुरक्षित नहीं, हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सुनैना, कोई दूसरा रास्ता नहीं। अपनी माँ की खातिर चल सुनैना, अब और सवाल मत पूछ, चल उठ ना, बेटी का है, उठ चल, हमारे पास वक्त नहीं है, चल जल्दी चल। बड़ी माँ सुनैना दी, अब गठबंधन की रस्म करेंगे। नमन, अब हमारा गठबंधन हो गया, मैं और आप अब एक ही बंधन में बंधे, अब हम ऑफिशियली पंकोविच मनु बन गए। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। अब चार फेरों में वर आगे रहेगा और वधू पीछे रहेगी, चलिए फेरे आरंभ कीजिए। बेटा नमन, फेरे आरंभ करो, मुहूर्त बीत जाएगा। बउआ कहाँ सोच रहे हो, चलो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरा सब कुछ पीछे छूट जाएगा, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये शादी करके मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। माँ की खुशी है लेकिन मेरी रजामंदी की नहीं, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आज के बाद मैं सारी जिंदगी बहुत पछताने वाला हूं।
बाय शिव्या, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, प्लीज अपना और फैमिली का ध्यान रखना। नहीं सुनैना दी, बड़ी माँ, सुनैना दी। नमन बेटा, हीरो का मुहूर्त निकला जा रहा, शुरू कीजिए। पंडित जी बोलिए, शुरू कीजिए करवाइए। चलो बेटे फिर आराम करो। चीची, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि नमन शादी ही नहीं करना चाहता? ऐसा लग तो रहा था कि इसका कुछ मन नहीं है, पर अब फिर कोई वक्त ऐसा करेगा? चीची, बापू साहेब तो समधी से दुश्मन बन जाएंगे हमारे। चुप कर। अब कहेगा का नमन अपने दिल की बात? हम तो भाभी के लिए बस एक तमाचा मांगे थे, वैसे भारी भीड़ में ही बदनामी उनके लिए किसी मुक्का लात से कम नहीं होगा। लगता है बड़ी माँ की ऊंची नाक आज उनका लाडला बेटा ही कटवा के रहेगा। कीर्ति, ये कोई समय ऐसी बात करने का? अरे मुझे तो चिंता हो रही कि नमन भी ऐसे रह क्यों कर रहे हैं। तमा जी, अगर थकान से आपको पांव जाम हो गया है तो कुनो बाम मंगवा दे। वैसे हमारा जो बीरेंद्र माली है ना, बहुत ही अच्छा मसाज देता है वो, अगर आप कहें तो उसको बुला ले हम। हाँ नमन जी, सब लोग देख रहे हैं, हमें बहुत इंसल्टिंग फील हुई। अब फेरों के लिए आगे बढ़िए ना। नमन, ये शादी करके भी तुम्हें खो दूंगा सुनैना, और अगर तुम्हें खो दी तो मैं अपना सब कुछ खो बैठूंगा। बड़ी माँ सुनैना दी को लेके कहाँ जा रही हो? बड़ी माँ कोई हमें पीछा रही हो? बड़ी माँ सुनैना दी को लेके कहाँ जा रही हो? बड़ी माँ तुमसे मतलब? जाओ अंदर जाओ। अरे है ना, अंदर जाओ। नहीं सुनैना दी, नहीं जाओ सुनैना दी। चलो तुम, आप सबसे आखिरी बार मिले बिना पाए कहे बिना जा रहे हैं। सुने ना, हम कह रहे हैं ना, गाड़ी में बैठो, खड़ी कहे हो बैठो। नमन, क्या कर रहा है यार? सो लोग देख रहे हैं यहाँ पे, क्या वादा किया था आंटी जी से? हाँ, शादी करेगा, ये करेगा, वो करेगा, अभी देखना बेइज्जती हो रहा। अभी कदम आगे बढ़ा, फेरा ले, देख देख सब देख रहे हो, देख सामने। बउआ चल। बड़े पापा, बड़ी माँ सुनैना दी को लेके पीछे के दरवाजे से घर छोड़ के जा रही है। शायद हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रहे हैं। तुम नहीं जा सकती सुनैना, तुम नहीं जा सकती। अरे बेटा कहाँ जा रहा है? ए बउआ, अरे भागे कहाँ जा रहे हैं? अरे दामाद जी,
नाना जी, हम इतने साल इस घर के तहखाने में रहे, भी तो बाहर आए थे, सबके साथ सबके बीच। मैं अपना परिवार बहुत प्यारा, इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाना हमें। प्लीज काना जी कुछ कीजिए, हमें रोक लीजिए प्लीज। आंटी जी, शिविया बता दी कि आप सुनैना को हमेशा हमेशा के लिए यहां से लेके जा रहे। प्लीज ऐसा मत करिए, आप उसे मुझसे दूर मत लेके जाइए प्लीज। मैं उसे खोना नहीं चाहता। आप एक बार बाहर आ जाइए, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज आंटी जी। नमन सिंह, ये सब क्या हो रहा है? आई एम सॉरी पंकजा, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही और ना ही कभी कर पाऊंगा। कि सच तो ये कि मैं सिर्फ और सिर्फ सुनैना से प्यार करता हूं। कौन आप सना बोले जा रहे हो? मैं ना शनाप नहीं बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो बिल्कुल सच है। सच में सुनैना से। बस नमन सिंह, एक और शब्द और कहने से पहले सोच लेना। कहा है कि उस सब तुम्हारे और पंकजा के बीच में नहीं, बल्कि मुंगेर के दो सबसे बड़े परिवारों के बीच में हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा कर देगा, बताए दे रहे हैं। नमन बेटा, तुम अभी अभी जो बोले हो और तुम गलती से बोल दिए हो ना, वो कहते हैं ना इसलिए पाप टांग हुई हो गया ना तुमसे। इस आदमी तोड़ने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, है ना? है ना? आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि मैंने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच, वो सच जो कब से मैं आप सबको बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। यही कि मैं सच में सुनैना से बहुत 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 प्यार करता हूं। सबसे बड़ा दोषी तो मैं तुम्हारा हूं पंकज। आई एम रियली सॉरी पंकज। तुम एक बहुत अच्छी लड़की, तुम एक ऐसा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो जो तुम्हें बहुत प्यार करे, जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम बसती। लेकिन पता नहीं मेरे दिल में कब क्यों और कैसे सिर्फ सुनैना बस चुकी है। बकवास बंद करो,
और चलो हमारे साथ, हमें तुमसे अकेले में कुछ बात करना है। चलो को ठंडक करेक्टरलेस कहीं की। अरे मैं तो पहले से पता था तुम्हारी नजर हमारे नमन पर, फिर किसी और को नजर नहीं आया। आज तो सच बोल दो अपने मुंह से, सबको बताओ, बताओ उस दिन जंगल में क्या हुआ था, ऐसा क्या किया उसे नहीं जाने के लिए कि तुम जैसे के लिए वो हम जैसी ब्यूटी को छोड़कर चला गया। बोलो तुम छोड़ोगे क्या, क्या कर रही हो? मेरी कोई गलती नहीं। बोलो नमन, काहे किए तुम तमाशा, बोलो। अरे का किए हूँ सुनेना तोरे सा, का किए जो तुम इतने पगला गए हो कि तुम गजा से अपना रिश्ता अपने साथ ही तोड़ दिए। सुनेना ने कुछ नहीं किया है माँ, आप मेरी फीलिंग्स के लिए, मेरे एक्शंस के लिए उसे ब्लेम मत कीजिए प्लीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बउआ, तुम उस लड़की के लिए अपनी माँ से चिल्ला रहे। ठीक कहते हैं बाबू साहब, वो लड़की अपशकुनी है, अपशकुनी, इसीलिए उसके कारण आज तुम अपनी माँ के सामने आवाज ऊंची कर रहे हो, हमारे सामने। I'm sorry माँ, देखिए सुनेना की कोई गलती नहीं है, अगर किसी की गलती थी तो वो मेरी गलती थी माँ, आप मेरा यकीन मानिए, सुनेना ने कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, लेकिन मैंने की। जब मैंने अपने दिल की बात सुनेना को बताई तो उसने हर बार मुझे रोक दी। माँ सुनेना बहुत मासूम है, शायद उसकी इसी मासूमियत की वजह से मुझे उससे इस कदर प्यार हो गया। इस कदर, इस कदर प्यार करने लगे हो तुम कि अपनी माँ के प्यार को भूल गए? नहीं माँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं बहुआ, ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसीलिए उस कल की आई हुई लड़की के चक्कर में तुम हमारे सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, हमारे सपने, हमारे गुरूर सबको मिट्टी में मिला दियो, हमारे विश्वास को तोड़ दियो तुम। कुमुदी थी, विश्वास था ना आपको अपना स्पिटिया पे, वो दिन का बोली थी आप हमको कि सिर्फ एक रात साथ बिता लेने का मतलब ही नहीं होता है कि दो लोगों के बीच में कुछ हो गया हो, यही बोले थे ना आप हमसे। कहे ना वो दिन ना हमारे पास कोनो सबूत नहीं था, इसलिए हम चुप रह गए, लेकिन आज आपका बिटिया का घिनौना सच ना सबका सामने आ गया है। और आप प्रवेश जी, अरे हमारी बिटिया का साथी टूट रहा है, अरे मजाक बन के रहेंगे सबके सामने, अब भी आप स्टैचू बन के खड़े रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं आप। और आप भाई साहब, आप खुद को ये परिवार का मुखिया बनाए हो ना, तो आप तो ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये मुखिया होने का फर्ज सिर्फ हुकूमत चलाना ही ना होता है। अरे हमारी बिटिया के साथ गुनाह हुआ है और वो गुनाह किया आपका अपना बेटी। रमोला ये क्या बदतमीजी है, ऐसा बात करोगी भैया के साथ? अरे आप तो रहने दीजिए प्रवेश जी, अपना एक काम कीजिए, अपना हमारी बिटिया का तो चूरी पहनी है ना, अपना हाथ में फेंक के ना भाई साहब के पीछे खड़े हो जाइए। अरे हमारा बिटिया का जो जिंदगी बर्बाद हो रहा है वो तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मानते हैं जो हुआ है वो गलत हुआ है, पर इसमें भैया का क्या दोष? भाई साहब देखिए, हम जानते हैं कि ये जो हुआ है ना उसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन एक मुखिया होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप हमारी बिटिया का साथ इंसाफ करें। पर वो तभी हो सकता है जब हमारी बिटिया की गुनाहगारी लड़की इसको सजा मिलेगी। बोला अगर नमन सिंह की पर गलत नजर थी तो इनका दोष है, ताली एक हाथ से नहीं बचती है कुमुद,
अगर गलती उस ससुर के नाती नमन की है तो भागीदारी सुनैना भी है। इन्हें हमरे ऊपर हमरे परिवार के ऊपर कलंक लगाया है। उका सबक सीखना देना पड़ेगा। आईना रूप नहीं हकीकत भी दिखाए। शाम 6 बजे दंगल प्ले ऐप पर।